दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, भारतीय एयरटेल हमारी एयरटेल को दोस्तों एक और बड़ा झटका यहां पे लगा है। 3 मिलियन ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर छोड़ के भाग गए दोस्तों, छोड़ के जा चुके हैं। एयरटेल को 3 मिलियन सब्सक्राइबर का झटका लगा दोस्तों। क्या है ये न्यूज, क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री पे दुखों के पहाड़ टूटे हुए हैं। जिस दिन से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का AGR वाला मैटर यहां पे आया है, एयरटेल आईडिया वोडाफोन की हालत वैसे ही खराब है, सब्सक्राइबर इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और फाइनेंशियली भी दोस्तों कंपनियों की हालत बिल्कुल अभी पतली हुई हुई है। लेकिन अभी दोस्तों एक नई रिपोर्ट निकल के आई, खास करके दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों यहां पे रिपोर्ट निकल के आई है और ये रिपोर्ट दोस्तों ICICI सिक्योरिटी की तरफ से आई है कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस दिन से दोस्तों सरकार ने, भारत सरकार ने आर्टिकल 370 यहां पे हटाया था, उस दिन के बाद दोस्तों यहां पे कंप्लीटली यहां पे नेटवर्क शट डाउन है, खास करके एयरटेल का दोस्तों यहां पे नेटवर्क जो है कंप्लीटली बंद है जम्मू एंड कश्मीर में वैली के अंदर। 4 अगस्त को दोस्तों ये इंप्लीमेंट किया गया था, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहां पे कंप्लीटली सब कुछ शट डाउन हो चुका है, तो इनके सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट जा चुके हैं। और दोस्तों यहां पे बता दूं के पोस्टपेड सर्विसेज गवर्नमेंट ने फिलहाल चालू कर दी, लेकिन जो सब्सक्राइबर गए थे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर इन्हें छोड़ के गए थे फ्रेंड्स, जो छोड़ के गए थे उन्हें रिटेन नहीं कर सका यहां पे भारतीय एयरटेल। और ज्यादातर सब्सक्राइबर दोस्तों यहां पे जा चुके हैं जियो के साथ, रिलायंस जियो को दोस्तों उन्होंने अपना लिया और जियो दोस्तों फटका जो लगा यहां पे एयरटेल को, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर यहां पे एयरटेल को छोड़ के जा चुके हैं। अभी दोस्तों बात कर लो सब्सक्राइबर बेस के अंदर बात करते हैं तो यहां पे एयरटेल के पास फिलहाल 279.4 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ अभी तीसरे नंबर पे यहां पे आपको भारतीय एयरटेल दिख रहा होगा। लेकिन खास करके दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन थी 370 हटाने के बाद आर्टिकल यहां पे कंप्लीटली शट डाउन थे, सारे नेटवर्क्स कंप्लीटली बंद थे, तो यहां पे बहुत बड़ा यहां पे शट डाउन बहुत बड़ा सेटबैक था यहां पे एयरटेल के लिए। एयरटेल ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर इसे छोड़ के गए और दोस्तों जैसे ही दोस्तों बात की जाए तो सब्सक्राइबर थे वो स्विच करते गए, माइग्रेट कर लिया दोस्तों उन्होंने यहां पे अपने जियो के पास दोस्तों। इससे यहां पे सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वहां पे सब्सक्राइबर का तो वो हुआ यहां पे भारतीय एयरटेल को, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर उन्हें छोड़ के चले गए दोस्तों। तो ये थी एक बड़ी अपडेट जहां पे एयरटेल को एक और बड़ा फटका लगा है। जो न्यूज आई है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर से दोस्तों ICICI सिक्योरिटी की तरफ से कि यहां पे एयरटेल को ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर और यहां पे छोड़ के जा चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी एयरटेल वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ भी अच्छे दिन नहीं चल रहे, लेकिन कंपनियां दोस्तों 1 दिसंबर से अपने प्राइसिंग यहां पे टैरिफ बढ़ाने वाली है, जहां पे 10% से लेके 30% तक का यहां पे हाइक होने वाला है। उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों कंपनियां प्रॉफिट में आने वाली है, ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन प्लीज मुझे बताइए कि कंपनी को कितना यहां पे टैरिफ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि 10% अगर ये टैरिफ बढ़ाते हैं तो इनका जो AGR वाला फंड है दोस्तों, जितना इनको पैसा देना है DOT को, उसका ऑलमोस्ट 60% यहां पे कवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम दोस्तों 15 से 20% अगर बढ़ाते हैं ये तो चीज हो जाएगी, लेकिन जो बातें की जा रही है कि 30% तक यहां पे बढ़ सकता है। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हैं कि कंपनियां कितनी टैरिफ में वृद्धि करें, अपने पैकेज कितने महंगे करना चाहिए कंपनी को, 10%, 20% या 30%, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। तो ये थी एक बड़ी अपडेट जहां पे एयरटेल को लगा है फिर से एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर से दोस्तों, इनके लिए का ये दुख भरी खबर जहां पे एयरटेल ने ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर को यहां पे खो दिया पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको जरूर दबा देना। उसको दबाने से दोस्तों आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।